नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है वाद्य यंत्र और उनके उस्ताद। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि स्टैटिक जीके हम आपको कवर कराएंगे और ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपको बिल्कुल सीधे सीधे फंसेंगे उन सभी को हम कराने वाले हैं। अगर आपने हमारी स्टैटिक जीके की ये सीरीज कंटिन्यू रखी और आपने देख ली तो कम से कम आपको 10 नंबर तक का बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। आपके 10 नंबर इंप्रूवमेंट होंगे स्टैटिक जीके के इन टॉपिक से। तो आप लगातार इनको डेली देख लीजिएगा और चैनल को फॉलो कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टैटिक जीके आजकल जो है सभी एग्जाम में इसी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब तक के आपने जो भी, अगर आपने एनवीएस दिया हो इस साल, आपने सीजीएल दिया हो या इसके अलावा कोई भी एग्जाम दिया हो, उसमें वाद्य यंत्र से आप सबके सामने क्वेश्चन जरूर आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है, एक तरह की रिविजन क्लास है हमारी। रिविजन क्लास का मतलब है आपको रिवाइज कराना। आपने पढ़ लिया होगा लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग से थोड़ी बहुत चूक हो जाती है, उसको उन कमी को दूर करने के लिए हमने ये सीरीज चलाई है। क्योंकि एग्जाम नजदीक है, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो आपका सीजीएल है, वो रहा है, एनटीपीसी है, रेलवे है, उन सभी के लिए अब आपको हम ट्रिक वगैरह नहीं, बस आपका सुपर फास्ट रिवीजन कराएंगे जिससे कि आपके दिमाग में ये चीजें आती रहें। देखिए सबसे पहला आपका है सहनाई। सहनाई कौन बजाता है, कौन कौन उसके उस्ताद याद रखने हैं आपको? तो इसका उस्ताद है बिस्मिल्ला खां। ठीक है, सहनाई जो है बिस्मिल्ला। ठीक है, सहनाई कौन? बिस्मिल्ला। और दूसरा कौन? दयाशंकर। ठीक है, आपका सहनाई बिस्मिल्ला खां और दयाशंकर बजाते हैं सहनाई। सितार, सितार क्या है इसमें? तार है। तार कौन? रवि जो है, रविशंकर किसके? तार बजाते हैं और निखिल बैनर्जी। तो सितार, रविशंकर और निखिल बैनर्जी। ट्रिक आप किसी भी माध्यम से अपने तरीके से कुछ भी बना लीजिएगा, किसी भी तरीके का सोच करके। जैसे जो बिस्मिल्ला है उसका नाई क्या है? सहनाई। ठीक है, बिस्मिल्ला का नाई सहनाई बजाता है और साथ में दया दया करके वो सहनाई बजा रहा है। इस तरीके की बहुत सारी ट्रिक हैं दुनिया भर की, लेकिन हमारा माध्यम है आपको सिर्फ जो है सुपर फास्ट रिविजन की तरफ लेकर के जाना और चीजों को आपको रिवाइज कराना। सितार बजाते हैं आपके पंडित रविशंकर और निखिल बैनर्जी। तबला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है तबला। तबला वादक कौन है? आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा तबला वादक कौन है। जितने भी खांवर आ जाए, लतीफ खां, विलायत खां, अल्लाह रखा खां, फयाज खां, वो सब जो है किसमें? तबला में आपको मिलेंगे। जाकिर हुसैन और महाराज, मुदई महाराज और कृष्ण महाराज इंपॉर्टेंट है दोनों, ध्यान रख लीजिएगा। मुदई महाराज और कृष्ण महाराज जो है आपके कौन है? तबला वादक है। मुदई महाराज और कृष्ण महाराज आपके तबला वादक हैं। वायलिन, वायलिन आपसे कौन बजाता है? वायलिन है टी एन कृष्णन, विष्णु गोविंद जोग और एल सुब्रमण्यम और एन राजन। ठीक है, ये आपके वायलिन वादक हैं। वायलिन वादक याद आपको रखना है आपको टी एन कृष्णन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम और एन राजन। इसके बाद है बांसुरी। बांसुरी में देखिए पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया और रेणु मजूमदार। बांसुरी, बांसुरी आपके कौन कौन बजाता है? बांसुरी बजाते हैं आपके पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया और रेणु मजूमदार। ठीक है, इसके बाद आप इनको साथ के साथ नोट कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हमें याद नहीं है तो आप इनको कॉपी पे लेकर के नोट्स कर लीजिएगा और सुबह शाम इनको एक बार देख लीजिएगा, बस देख लीजिएगा। इसके अलावा और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। इसके अलावा आप वीडियोस को 2-3 बार सुन लीजिएगा, अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। संतूर जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, देखिए संतूर में, भजन संतूरी में तो संतूर आ ही गया, ये तो आप याद ही रख सकते हैं। ये तो बिल्कुल आसान है कि संतूर है और भजन संतूरी है, तो इसके अंदर क्या आएगा? आपका संतूर आ जाएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रेलवे में कई बार पूछा गया वो है शिव कुमार। कौन सा? शिव कुमार। संतूर कौन बजाते हैं? संतूर वादक शिव कुमार। सरोद भी इंपॉर्टेंट है और पखावज भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सरोद हैं। सरोद जो है अमजद अली खां और अलाउद्दीन खां और अली अकबर। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, तबला आप कंफ्यूज हो सकते हैं तबला में और आप कंफ्यूज हो सकते हैं सरोद में, लेकिन ध्यान रखना है आपको अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर, ये तीनों क्या बजाते हैं? सरोद वादक हैं। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर। पखावज, पखावज याद रखना है आपको। कौन? रहमान। रहमान के क्या उड़ गए? पक उड़ गए। ठीक है, रहमान के पक उड़ गए पखावज और उसके साथ साथ असद अली खां, असद अली खां। ठीक है, असद अली खां। वीणा, वीणा जो है बालचंदन, वीणा बालचंदन, बाल की वीणा उड़ गई। ठीक है, बालचंदन, वीणा बालचंदन। जो कोई वीणा है, वीणा के क्या निकल गए हैं? बाल निकल चुके हैं। इस तरीके से ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं, वीणा के बाल निकल गए तो बाल चंदन। मृदंग, मृदंग क्या है? ठाकुर भिकम सिंह, ठाकुर भिकम सिंह मृदंग, मृदंग ठाकुर भिकम सिंह जो है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं मृदंग को, ठाकुर भिकम सिंह। एक आपका सारंगी भी आता है, उस्ताद बिंदु खां, उस्ताद बिंदु खां आप याद रख सकते हैं। उस्ताद सारंगी आप ना यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, देखिए सारंगी
अगर हम बात करें सारंगी की, सारंगी तो सारंगी के जो वादक हैं वो हैं उस्ताद बिंदु खां, उस्ताद बिंदु खां। तो इस तरीके से 10-12 जो आपके थे शहनाई वादक थे, तो इनको आपको याद रखना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पक्का आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आरआरबी एनटीपीसी की शिफ्ट में बैठ जाइएगा, आप देख लीजिएगा, सीएचएसएल देख लीजिएगा, सीजीएल देख लीजिएगा, कोई भी एग्जाम देख लीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से जो सुपर फास्ट रिविजन है, जो जल्दी जल्दी आपको कम से कम 15 से 20 नंबर हम दिला करके रहेंगे मिनिमम से इन 10 से 15 दिनों में, ये जैसे कि आपके 25 नंबर का जो आपकी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर होती है सीजीएल के अंदर, उसमें से कम से कम 20 नंबर का टारगेट हमारा है कि इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको 20 से 25 नंबर के बीच में आराम से जो है आपको कवर करा दिया जाए। तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे सभी लोगों को फायदा हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।